वेलकम बैक टू द शो अगेन. मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप पेशेंटली वेट करते हैं कॉल्स के ऊपर. और अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते हैं, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं ईमेल कर दीजिए अपना नेम एंड नंबर एंड आई गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. मैंने प्रोग्राम लिखा है, बहुत तारीफ सुनी है प्रोग्राम की और काफ़ी आप अच्छा समझा देते हैं. मैं असल में मैंने असलम किया था और मेरा रिफ्यूज हो गया जी. और मैं जी और एक साल हो गया मेरा रिफ्यूज हुए, मैं अपर ट्रिब्यूनल से भी मना हो गया जी. तो मैं परेशान हो गया, आगे मैं क्या करूँ. आप मुझे ये बता दें आपकी एज कितनी है. 30 आपने बोला है, ठीक है जी. और आप पाकिस्तान से या इंडिया से. जी पाकिस्तान, मेरे दो बच्चे यहाँ पैदा हुए, दो बच्चे मैं पाकिस्तान से लेकर आई. अच्छा ठीक है. और कब. ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन लें आई विल बी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. देखें पहली बात यह है, जिसका मैं अर्ज़ करता हूँ रिस्पेक्टफुली, कि इस शो के अंदर केस स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दी जा सकती बिकॉज उसके लिए डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं. हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ. तो जहाँ तक बात आती है आपके बारे में, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन ना पढ़ लूँ कि क्या हुआ था फर्स्ट डे ट्रिब्यूनल में, क्यों अपर ट्रिब्यूनल ने बोला है कि एरर ऑफ लॉ नहीं है, अगर वो भी रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. ईमेल कांटेक्ट डिटेल्स आती हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं केस पढ़ के आपको बता सकूं. मैंने ये क्यों बोला कि आपकी एज क्या है और आप किस कंट्री से हैं, बिकॉज स्पेशली जो ख़वातीन असाइलम करती हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरे पास भी केसेस आते हैं कि आप सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ख़वातीन की इधर हेल्प करती हैं, स्पेशली वनरेबल ख़वातीन की जिनकी जान को ख़तरा है, कि आप उनको भी क्यों नहीं कांटेक्ट करते. बिकॉज वो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं या उनके पास ऐसे लोग होते हैं जिनको कंट्री के हालात के बारे में पता है. तो यू कैन इवन यूज़ देयर सर्विसेज इन ट्रिब्यूनल किसी रिपोर्ट राइटिंग के लिए, बट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं. तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको देखनी चाहिए कि आया वहाँ कोई ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी हेल्प कर सकें बेस्ड ऑन योर कंडीशन एंड हालात. तो मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को एक करना चाहिए, इट इज़ आल्सो वेरी केस स्पेसिफिक. तो अगेन मैं बड़ा मुझे बुरा फील हो रहा है कि आपके सारे रिफ्यूज़ हुए हैं केस वगैरह, लेकिन जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं आई वुडंट नो कि किस वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं. तो प्लीज़ अगर आप मुझे भेज दें मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो. हेलो जी, फरमाएं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने आई डोंट नो कि मेरी कॉल आपने रिसीव की या किसी और की, मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी. मैंने पहले किसी और की आपसे बात नहीं की. आप अपना सवाल पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा, आप टीवी पे सुन लें. अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने असाइलम क्लेम किया और मेरा एक बेबी है यहाँ पे जो कि 9 मंथ्स का है. मैं और मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे हैं. मुझे वन ईयर हो गया मुझे असाइलम क्लेम किए हुए और 7 मंथ्स हो गए मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मुझे ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तो रूल के मुताबिक 1 ईयर के बाद मैं जो है वर्क के लिए अप्लाई कर सकती हूँ. तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या मुझे होम ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना चाहिए? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या मेरा बेबी या हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम बेबी की बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकें, जो पहले 5 ईयर्स का रूल था और अब 7 ईयर्स का आई थिंक सो हो गया. जी मैं अर्ज कर देता हूँ. थैंक यू सो मच. देखिए जहाँ तक बात है, आप ऑफ़ कोर्स ये है पॉलिसी कि अगर होम ऑफिस ने आपके केस में 12 महीने से ऊपर डिले कर दिया तो आप राइट टू वर्क रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जारी बात है राइट टू वर्क का जो कोड्स हैं और जो काम करने की कैटेगरीज हैं उनमें तब्दीली आ गई. आप सिर्फ स्किल्ड वर्क का आपको सिर्फ देते हैं, बट वो एक अलग इशू है. बट वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप इस वजह से ना रुकें कि केस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज केस अपनी ही स्पेस पे अपनी ही रफ्तार से चलेगा. वो एक अलग डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देखता है. जहाँ तक बात है बच्चों की, यस, अगर आपके केस को फर्दर 7 ईयर्स हो जाते हैं फॉर वन रीज़न और दी अदर कि उन्होंने आपके केस पे कोई डिसीजन नहीं दिया, तो अपार्ट फ्रॉम असाइलम जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, आपका जो केस है वो एक और कैटेगरी के अंदर भी आ जाएगा जो फैमिली इन प्राइवेट लाइफ के कवानीन है 2012 के, कि अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएँ
तो वो कंसिडर करेंगे वीज़ा देने के लिए, लेकिन उसमें ये भी प्रूव करना होता है कि वाई डू यू थिंक इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक। ये ऑटोमेटिक नहीं है कि बच्चे को अगर 7 साल हो जाएँ तो वो दे दें, सर्टन कंडीशंस हैं जो आपको और मीट करनी पड़ती हैं। आई कैन ओनली विश यू द बेस्ट, और अगेन मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ स्पेशली जो लोग असाइलम करते हैं, जो एटलीस्ट मैंने देखा है कि जब असाइलम करते हैं इसलिए 97-98% रिफ्यूज़ होते हैं कि उनको प्रॉपर समझ नहीं है कि असाइलम किस बेसिस पे करना है। बस वो ये समझते हैं कि जी हमने FIR दे दी तो हमारा केस बन गया। अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं होती, बहुत ही और ज़्यादा बारीकी से केसेस देखे जाते हैं जिस पर मैं पूरा 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर पिटफॉल्स होते हैं क्या है, बट सिर्फ अभी वो फॉर्मेट नहीं है शो का। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अच्छी तरह से आप एडवाइस लें कि असाइलम का केस आपका बनता भी है, और अगर बनता है तो उसमें मेरिट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना था। मेरी आंटी और कज़न सिस्टर होते हैं स्पेन में जी, तो उन्हें मैं विजिट के लिए 3-4 वीक के लिए इधर बुलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ताकि उनका, उनके पास उधर की नेशनैलिटी तो कोई नहीं है लेकिन 5 साल के उनके जो वीज़े वगैरह होते हैं वो चीज़ें उनके पास। ठीक है सर, मैं फाइनली प्लीज़ ज़रा मुझे बता दीजिएगा ज़रा तफसील से, स्टेटमेंट्स वगैरह एवरीथिंग जो भी चाहिए होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, जो लोग नॉर्मली यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी होती है अकोमोडेशन की, तो अगर घर आपके नाम पर तो फिर आप प्रॉपर्टी के कागजात लगा दें और उनको ये बता दें कितने लोग उस घर में रहते हैं, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि आपकी आंटी और जो कज़न है वो ओवरक्राउड तो नहीं करेंगी घर को। अगर आपका रेंटेड घर है तो आप स्टेट एजेंट से लेटर ले लें कि ओवरक्राउड नहीं होगा घर उनके आने से, वरना अगर आप और भी पक्का काम कराना चाहते हैं तो होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट ले लें। लेकिन क्योंकि होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट की 100-150 ऑलमोस्ट फ़ी ले लेते हैं स्टेट एजेंट आजकल बनाने की, ज़्यादातर लोग सेटलमेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। विज़िट के लिए अगर आप स्टेट एजेंट अपने लैंडलॉर्ड से, स्टेट एजेंट से, या ख़ुद लेटर दे दें, डिपेंडिंग आप ओन करते हैं घर, कितने बेडरूम घर है, इतने लोग रहते हैं, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो हाउसिंग एक्ट के हिसाब से यू शुड बी फाइन देयर। जहाँ तक फाइनेंशियल बात है वो डिपेंड करता है, अगर आप कह रहे हैं जी उनका पूरा खर्चा पानी मैं उठा रहा हूँ तो फिर आपको अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी और सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करनी है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उनको अपनी लगानी है कि उनकी भी ये फाइनेंशियल एंड फैमिली हालात हैं और वो वापस चले जाएंगे आफ्टर दिस ट्रिप, तो वो भी अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, टेनेंसी एग्रीमेंट्स और वो सारे कागजात लगाएं। तो सारी बात है, लिस्ट बहुत बड़ी मैं बनाना नहीं चाह रहा, बिकॉज उसके लिए अगर आप कॉन्टैक्ट कर लें मैं आपको केस स्पेसिफिक लिस्ट लिख के दे दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मेन चीज़ें जो वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था। मैं 2002 में, शॉर्ट करूंगा बात को, 2002 में आया था एज अ स्टूडेंट आया था, लेकिन 2007 में मेरे पास HSNP आ गया, फिर 2012 में इनडेफिनेट हुआ, फिर मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। ठीक है, अब मैंने लास्ट ईयर अपने मिसेस का वीज़ा, मेरे साथ है मिसेस 5 साल से जी, तो मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया था डिपेंडेंट वीज़ा सितंबर 2015 ना जी, तो अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किधर है इस वक्त? में आपके साथ यूके में? मेरे साथ ही हैं जी। अच्छा, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया आपकी एप्लीकेशन का? नहीं, कोई जवाब नहीं। और एप्लीकेशन कौन सी थी अभी आपकी, सेटलमेंट की या? नहीं, सेटलमेंट की नहीं थी, वो बेसिकली डिपेंडेंट का था ना, एक्सटेंशन 2010 में जब ये मेरे साथ आई, 2011 में, तो ये पॉइंट बेस पे आई थी जी। ठीक है, उस वक्त मैं HSNP थी, पॉइंट बेस पे आई थी, फिर 2012 में हमने दोबारा वीजा एक्सटेंड कराया। आपको सेटलमेंट HSNP की बेस पे मिली थी या 10 ईयर पे? मुझे जो है मैंने HSNP पे ली थी तो आपने इनके लिए तो फिर सेटलमेंट अप्लाई की होगी ना अभी सितंबर में? नहीं, इनका सेटलमेंट नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट टाइम मुझे एक वकील साहब, उन्होंने, मैंने करना डिपेंडेंट ही करना था, लेकिन उन्होंने उन्होंने मुझे कर दिया, कहते तुम पॉइंट बेस पे करो, कोई बात नहीं। चलें, वो उस बात को रहने दें, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच कि और कितना टाइम लगेगा। देखिए, इस वक्त होम ऑफिस वाले नॉर्मली एप्लीकेशंस में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, देखने में आया है कि 7-8 months to 9 months भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी तरीके से एप्लीकेशन पे जल्दी से एक्शन लिया जाए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कांटेक्ट करें अपने लोकल MP को, MP खत लिखेगा होम ऑफिस को, और फिर उससे थोड़ा सा हलचल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, सुहेल बात कर रहा हूँ जी। सुहेल भाई बोलें। ये मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने थे, मैं अपनी और अपनी फैमिली के जो है ना नेचुरलाइजेशन के लिए भेज रहा हूँ
जी, तो उसमें ये पूछना था, एक लिफाफे में सारी एप्लीकेशन भेजनी होती है या सेपरेट भेजनी होती है? एक चीज तो ये होगी, अगला अगला ये है कि जो पे स्लिप बनती है हर फॉर्म के अलग अलग, पेमेंट जो है ऑल टुगेदर भेजनी है या अलग अलग भेजनी है पेमेंट? और कोई सवाल? और जैसे मैं पाकिस्तान जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो इंडेफिनिट कार्ड सिर्फ काफी है या इसके अलावा भी कोई चीज हमें रखनी है सर पासपोर्ट? ओके, आप चेकिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? सॉरी, कौन सी चेकिंग सर्विस? चेकिंग सर्विस नहीं, मैंने तो अभी सुना आपसे। चले मैं अर्ज कर देता हूँ, थैंक यू सो मच सुहेल। थैंक यू जनाब। सोहेल, पहले मैं आपके वो जो बेसिक सवाल हैं उनके जवाब दे दूं, फिर चेकिंग सर्विस का बताता हूं। आपने पहले बोला कि तारिक भाई मैं एक ही डॉक्यूमेंट एक ही लिफाफे में डाल दूं। देखिए, जो हमने देखने में आया कि जब फैमिली मेंबर्स नेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो एडवाइज़ यही है कि प्लीज़ उन सारों को एक ही पलंदे में एक कवरिंग लेटर के अंदर डाल दें और ये मेंशन कर दें कि बाकी कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि अगर अलग अलग जाएँ तो फिर प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक फ़ी की बात है, उसको एक पेमेंट ना करें, हर फाइल की अपनी अपनी पेमेंट रखें, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो आपको पता है होम ऑफिस वाले कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते चीज़ें, तो हर फाइल की अपनी अपनी पेमेंट स्लिप लगी होगी तो वो बेहतर है। जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पोस्टल भेज रहे हैं तो आप शायद ये कह रहे हैं कि सर्टिफाइड कॉपियाँ साथ लगा रहे हैं, बिकॉज आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। अब इसी पे आता हूँ, चेकिंग सर्विस जो आपकी लोकल काउंसिल है वो आपके लिए चेकिंग सर्विस यूज़ करती है। उसमें वो ये करते हैं कि आपसे सारी एप्लीकेशन ले लेते हैं, जो आपके पासपोर्ट और बायोमेट्रिक कार्ड है वो देख के कॉपी बना के आपको वापस कर देते हैं, फिर आप ट्रैवल करें उसके ऊपर, पीछे एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास होती है। तो काउंसिल चेकिंग सर्विस वीकेंड पे भी करती है और वो बड़ी चीप है, तो जहाँ भी आप रहते हैं टाइप इन करें चेकिंग सर्विस गूगल पे अपनी काउंसिल के वेब पेज पे जाके, तो वो आपको फैसिलिटी नज़र आ जाएगी। और हमेशा मैं तो ये बोलता हूँ जो लोग नेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं कि प्लीज़ चेकिंग सर्विस करें, बिकॉज अगर आप अपने पासपोर्ट्स और आईडी डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो 6-7 महीने 9 महीने तक वो फंसे रहते हैं होम ऑफिस में। फिर अगर आपने ट्रैवल करना हो तो फिर आप होम ऑफिस की वेबसाइट से जाके उनको रिटर्न करवाते हैं, और अगर आप शुरू में सर्टिफाइड भेजें फिर होम ऑफिस अक्सर देखने में आया खत लिखता है कि जी हमें ओरिजिनल भी एक नज़र दिखा दें। तो बेहतर है कि चेकिंग सर्विस इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, हेलो, आई थिंक उनकी लाइन गिर गई। अगेन मैं अपोलोजाइज करता हूँ, बिकॉज आई थिंक लोग सब्र से सुन रहे होते हैं, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ तो फिर वो थोड़ा रख देते हैं कॉल को। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, सत श्री अकाल। जी जी फरमाए। हाँ जी, मैं सर दो क्वेश्चन पूछने सीगे प्लीज। जी जी पूछो। एक तो सी लास्ट वीक क्या सीगा कि फ्रेश क्लेम करने वास्ते, मैंने ये नहीं कहा फ्रेश क्लेम करें, मैं बता रहा था फ्रेश क्लेम होता क्या है। हाँ जी, वो उसी का मैंने कुछ थोड़ा क्लियर करना था। जी जी, कि जैसे हमने 7 ईयर बेस के ऊपर लगाया था केस, अभी मेरे बच्चों को 4 जनवरी 2017 को 7 साल पूरे हो जाएंगे, लाइक 5 मंथ पड़े हुए हैं डेली। इन बिटवीन हम साइनों पे भी जा रहे हैं, और उन्होंने आज लेटर भेजा कि आपसे फैमिली मीटिंग करनी है, तो अपने बच्चों को भी लेके आए। तो हमारे वकील ने उनको जो एडिशनल ग्राउंड थी, बड़ी बेटी अब कॉलेज जा रही है, उसने ये 6 से शुरू करके अब कॉलेज का भी 1 ईयर खत्म है, एडिशनल ग्राउंड भेज दी थी। तो वो मैंने एक तो ये पूछना था कि अगर हमें कोई केस लगाना पड़ता है, हमने जुडिशियल रिव्यू से भी हमारा सब कुछ रिफ्यूज हो गया, तो अब हम इस फ्रेश क्लेम के बिना पर बच्चों के साथ फुल फैमिली की सकते हैं कि सिर्फ एक ही बड़ी बेटी के बिहाफ पे बच्चों के साथ 3 बच्चों का ही लगा सकते हैं? और दूसरा, ये जो फैमिली मीटिंग करते हैं तो इसमें ये लोग क्या पूछते हैं हमें, कैसे प्रिपेयर हो जाए? क्योंकि हमारे वकील ने कहा कि पहले फ्रेश ग्राउंड का उनसे जवाब ये हमें बता सकते हैं हम दो बातें। जी थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात आती है फैमिली मीटिंग, मुझे नहीं पता उस मीटिंग का पर्पस क्या है, कि आइदर आपके लॉयर ने उनको बोला या वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। होम ऑफिस में लेटर भाई डाली है। मैं वो अर्ज कर देता हूँ, बेशक फोन रखते हैं, मैं अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि जारी बात है मैंने लेटर पढ़ा नहीं, तो मैं बार बार इस तरह आपसे पूछना शुरू हो जाऊँगा तो हमारी बात ही खत्म नहीं होगी। मैं अर्ज सिर्फ ये कर दूँ कि नॉर्मली फैमिली मीटिंग्स होती हैं जिसमें देखने में आया कि वो पूछते हैं कि अच्छा जी आपका सारा क्लेम वगैरह ख़त्म हो गया है, हम अब आपके साथ बैठ के ये अरेंज करना चाहते हैं कि आप वापस किस तरह जाना चाहते हैं या आपके आगे क्या इरादे हैं। तो क्योंकि आपका GR भी ख़त्म हो गया, और जिन फैमिलीज़ के बच्चे हों वो फैमिली मीटिंग्स करते हैं ये पूछने के लिए कि बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, कब उनकी छुट्टियाँ हैं, आप स्कूल को नोटिस दे दें क्योंकि हम बंदोबस्त करना चाहते हैं आपका इस कंट्री से वापस जाने का। अब जहाँ तक आपके लॉयर की बात है, मैं आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे का भी डलेगा केस तो ऑटोमेटिकली माँ बाप का केस साथ में ही डल जाता है, बिकॉज
कोर्ट ऑफ अपील और अपर ट्रिब्यूनल का केस भी आ चुका है कि माँ बाप का केस बच्चों से अलग नहीं होता, वो को जॉइंड ही रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली का केस जाएगा अगर किसी एक बच्चे ने 7 साल का थ्रेशोल्ड मीट कर लिया है। अब आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपके वकील ने एडिशनल ग्राउंड्स ऑलरेडी जमा कराए, किस बेसिस पे किए हैं, क्या किए, मैं उस पर कोई नहीं बोलना चाहता, कुछ मैंने पढ़े नहीं, लेकिन ऑफकोर्स जब आप फैमिली मीटिंग में जाएंगे तो आप ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं उनको कि जी हमारा पेंडिंग एडिशनल ग्राउंड पड़े हुए हैं, और जारी बात है जब जनवरी आएगा तो यू विल हैव मोर ग्राउंड्स टू रिलाई अपॉन बिकॉज 7 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे बताया जाता है कि अब टाइम भी हमारा शो का पूरा हुआ है। अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं हर एक की कॉल्स नहीं ले सका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप ईमेल पे अपना नाम और नंबर भेज दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीक्स शो। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले वेनसडे होगी। अल्लाह हाफिज़।